नमस्कार, धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश की जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिस टॉपिक के अंतर्गत हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं वो हमने पढ़ लिए थे और हमने नाउन के बारे में कंप्लीट स्टडी भी कर ली थी। अब हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन, अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई शब्द जो यूज होता है, प्रयोग में आता है, कहाँ पर? इन प्लेस ऑफ नाउन, एक संज्ञा के स्थान पर। अ वर्ड, एक ऐसा शब्द विच इज यूज, जो कि यूज होता है, जिसका प्रयोग होता है इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, किसके स्थान पर? नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर, इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो क्या कहलाता है? वो प्रोनाउन कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा शब्द जिसको हम नाउन के स्थान पे काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं, वही क्या है? प्रोनाउन है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ऊपर समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब देखिए, हमने नाउन का जब अपने टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि नाउन में क्या, ए नेम ऑफ पर्सन, ए नेम ऑफ थिंग, ए नेम ऑफ प्लेस, वो क्या था? नाउन था। तो यहाँ पे मोहन क्या है? ए नेम ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम, एक इंसान का नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। ठीक है, अब मैं इस सेंटेंस को देखूँ, मैं ऐसे लिखूँ सेंटेंस को, मोहन इज एब्सेंट बिकॉज मोहन इज इल, ठीक है, तो थोड़ा सही नहीं लगेगा, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा और थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए और इस सेंटेंस को और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें नाउन का यूज, नाउन का प्रयोग दोबारा नहीं करके उसके स्थान पे हम प्रोनाउन का प्रयोग कर लेंगे। देखिए, मोहन इज एब्सेंट, मोहन एब्सेंट है, मोहन अनुपस्थित है, बिकॉज, क्योंकि। अब यहाँ पे मैं मोहन, मोहन न लिख के मैं क्या लिखूंगा? ही लिख दूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा? ही किसके लिए है? ये ही मोहन के लिए है। तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, मोहन एब्सेंट है, अनुपस्थित है, क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पे मैं मोहन न लिख के उसके स्थान पे एक प्रोनाउन यूज करूँगा, ही यूज करूँगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो शब्द, अब देखो यहाँ पे ही प्रोनाउन हो गया ना, क्योंकि ये किसके स्थान पर आया है? ये नाउन के स्थान पर आया है। तो इस प्रकार से अगला सेंटेंस, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, किताबें वहीं हैं जहाँ तुमने छोड़ी थी। अब देखिए, बुक्स क्या है? नाउन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ये नाउन है। अब मैं इसके स्थान पर, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो यही है कि मैं बुक्स को बुक्स के स्थान पे वापस बुक्स यूज करूँ आगे जाके, और एक होता है मैं इसके स्थान पे कोई प्रोनाउन यूज करूँ। तो देखिए, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, अब ये देम किसके लिए है? ये बुक्स के लिए, देम मतलब, द बुक्स आर वेयर, किताबें वहीं हैं जहाँ तुमने उनको छोड़ा था, दे मैंने उनको छोड़ा था। अब मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा जहाँ तुमने किताबों को छोड़ा था, तो वो सेंटेंस थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, इसके रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, उसके दोहरान से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिर ऐसे, अब देखो, अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हम कौन कौन से प्रोनाउन नॉर्मली यूज में लेते हैं, उनको आप देखिए। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अब फर्स्ट पर्सन देखो, पर्सन कितने होते हैं? तीन पर्सन होते हैं इंग्लिश के अंदर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब जो बात कर रहा है, जो खुद के बारे में बात होती है, खुद होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे वो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन होता है। एक इस प्रकार से आप सिंपल वे में इसको याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आएंगे? आई, वी, सिंगुलर है तो आई हो जाएगा और प्लूरल है तो वी हो जाएगा, और सेकंड पर्सन के अंदर यू, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो यू ही रहेगा, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट, दे। अब देखिए, ही किसके लिए आता है? मेल के लिए,
सिंगुलर अगर है तो, शी किसके आता है फीमेल के लिए, इट आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दे किसके लिए आता है नॉन लिविंग थिंग्स, इट नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स वगैरह उनके लिए आता है, बर्ड्स एनिमल्स, और दे अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो दे आ जाएगा। तो इस प्रकार से एकदम शॉर्ट में मैंने और संक्षिप्त में आपको प्रोनाउन के बारे में बताया। आई होप आपको प्रोनाउन की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। प्रोनाउन के बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है, हिंदी के अंदर देखेंगे तो इसका मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला। ये किसकी विशेषता बताएगा? हमें यही ध्यान रखना है कि विशेषता बताएगा किसकी, ये नाउन और प्रोनाउन, नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का जो अर्थ है उसमें कुछ ऐड करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है, अब ये क्या करेगा, इसका काम होगा नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम ये करेगा। देखिए कैसे, क्या अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी के बारे में बताएगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम और समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ही इज ए गुड बॉय। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ही क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। तुम्हें पता है, अभी अभी जस्ट पढ़ा था प्रोनाउन के अंदर, ही क्या है, एक प्रोनाउन है। और यही तो हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव क्या करेगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है उसकी विशेषता बताएगा। हम ऐसे समझ सकते हैं सिंपल वे में कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अतिरिक्त सूचना, मतलब ये नाउन कैसा है, ये प्रोनाउन कैसा है, तो वैसा वो हमें बताएगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। तो ही क्या प्रोनाउन है, ही इज अ गुड बॉय। अब देखिए, अब ये वह एक लड़का है, सिंपल सी बात है, वह एक लड़का है, लेकिन वो लड़का कैसा है, वो लड़का है तो, वो लड़का तो है लेकिन वो कैसा है, ये कैसा वाला जो है, इस कैसे का जो जवाब है वो क्या है, गुड यानी अच्छा। और कैसा लड़का है, वो अच्छा लड़का है, लड़का तो वो है लेकिन वो कैसा है, एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्यों, ये क्या कर रहा है, इसकी, इस लड़के की क्या बता रहा है, हमें क्वालिटी बता रहा है। तो ये बॉय है, इसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अतिरिक्त सूचना दे रहा है, कह रहा है वो लड़का तो है लेकिन वो लड़का कैसा लड़का है, अच्छा लड़का। इस प्रकार से हम समझेंगे इसको। अगला सेंटेंस देखो, दिस काउ इज वाइट। ये गाय कैसी है, वाइट है यानी सफ़ेद है। तो ये क्या हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई। तो ये काउ यानी नाउन, और नाउन की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, विशेषता बता रहा है इसकी। गाय की क्या विशेषता हो गई, कि गाय कैसी है, सफ़ेद है गाय। अब देखिए, सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा एक लड़की है लेकिन वो कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है, मतलब सुंदर लड़की है। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट, राहुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राहुल के स्टूडेंट तो है लेकिन कैसा स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान विद्यार्थी है वो। तो ये इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कहने का मतलब है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उनके बारे में कुछ एडिशनल हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कैसे हैं, वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, कोई भी काम का होना। देखो डेफिनेशन इसकी, अब वर्ब क्या होती है, अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन एन इवेंट और स्टेट। कहने का मतलब, वर्ब क्या है, एक कोई शब्द है, या फिर कोई क्या हो सकता है, या फिर कोई शब्दों का समूह हो सकता है, कोई शब्द, कोई एक शब्द या शब्दों का समूह है, दैट एक्सप्रेसेस, जो क्या करता है, ये व्यक्त करता है, ये शो करता है, क्या शो करता है, एन एक्शन, कोई क्रिया का होना, कोई काम का होना, एन इवेंट, किसी घटना का होना, या फिर स्टेट, किसी दशा का होना, किसी स्थिति का होना। तो ये जो कुछ भी हमें जिस शब्द से पता चलते हैं, जिस वर्ड से पता चलते हैं, वो क्या होता है, वो वर्ब होती है। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए
अब हमें पता चला है, जैसे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते जा रहे हैं हमें एक एक शब्द का पता चला है कि ये शब्द अपने आप में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यही सेंटेंस ले लो आप, इसमें हमने देखा ही है, अब हमें पता चल गया ही क्या है, प्रोनाउन है। अब राइट्स है, राइट्स क्या है, राइट्स एक ऐसा शब्द जिससे हमें क्या पता चला है, राइट्स मीन्स लिखना, लिखना क्या होता है, एक एक्शन होता है, एक क्रिया होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी। ये हमें पता है आर्टिकल है, लेटर क्या है, नाउन है। तो देखो मैंने जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, जब अपनी क्लास फर्स्ट स्टार्ट हुई थी तो मैंने ये बताया था कि हम सेंटेंस के अंदर हमें जो शब्द होते हैं उन शब्द की पहचान कौन कराएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कराएगा। तो तभी हम अब सेंटेंस जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड क्या है, जैसे ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। तो ऐसे जब हमें पता चल जाएगा तो हमारी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ही राइट्स अ लेटर। अब राइट्स एक शब्द है जो हमें ये बता रहा है कि कोई क्रिया हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है, तो ये वर्ड अपने आप में क्या हो जाएगा, ये वर्ड अपने आप में वर्ब हो जाएगा। ऐसे हमें समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन केम यस्टरडे। मोहन केम, मोहन आया, अब आया तो क्या हो गई, वर्ब हो गई, सॉरी आया तो क्या हो गई, क्रिया हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। मोहन केम यस्टरडे, मोहन कल आया था। तो इस प्रकार से हमने वर्ब को भी समझ लिया है। नेक्स्ट अपना एडवर्ब। एडवर्ब को अपन बोलते हैं क्रिया विशेषण। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज। मॉडिफाइज का मतलब ऐसे सुधार करना होता है। यहाँ पे मॉडिफाइज का मतलब किसी के बारे में बताना, उसके बारे में और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, क्वालिफाई करना उसको। मॉडिफाइज एनीथिंग, किसी के भी बारे में, एनीथिंग एक्सेप्ट इसको छोड़कर, मतलब किन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब। आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में इसको याद रख सकते हो कि एडवर्ब क्या है, कि जो नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उन सबको क्वालिफाई करता है, उन सब की विशेषता बताता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। देखिए एग्जाम्पल से अपन और ज़्यादा समझ लेंगे इसको। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ही स्पीक्स जेंटली। अब हमने देखो, हमें ये भी पता है ही क्या है, प्रोनाउन है, स्पीक्स क्या है, वर्ब है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा है हमने। ही स्पीक्स, वह बोलता है। अब वो बोलता है तो ये क्या है, क्रिया है, वर्ब है, तो कैसे बोलता है, जेंटली, बहुत ही विनम्र तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से वह बोलता है, तो ये विनम्र तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगी। ये किसको बता रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि वो काम तो करता है लेकिन काम किस तरीके से करता है, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कोई काम किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। वो बोलता है, वो क्रिया करता है, ही प्रोनाउन है, स्पीक्स वर्ब है। अब वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट देखो, सी इज अ वेरी गुड प्लेयर। एक बार हम इतना ही पढ़ेंगे, सी इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी है, वह एक अच्छी खिलाड़ी है। अब देखिए, अब मैंने वेरी लगा दिया यहाँ, तो ये वह एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है। ये गुड क्या था, गुड हमने पढ़ा था अभी, ये क्या है, एडजेक्टिव है, प्लेयर को क्वालिफाई कर रहा है, प्लेयर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में जो विशेषता बता रहा है, नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव होता है, और ये किसके बारे में बता रहा है, वेरी गुड, यानी बहुत अच्छा, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये वेरी है, ये गुड की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। मैंने इसमें यही तो कहा है कि नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सब, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, जिसके अंदर वर्ब आ जाएगी, प्रीपोजिशन आ जाएगी, कंजक्शन आ जाएंगे, वो सब कुछ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वेरी क्या है, ये गुड को क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सी इज अ वेरी गुड प्लेयर, वह बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी प्लेयर है। फिर नेक्स्ट, रामू रन्स वेरी फास्ट। रामू दौड़ता है, फास्ट, तेज दौड़ता है, लेकिन अब वेरी आ गया,
फास्ट तो क्या था, एडजेक्टिव था, लेकिन वेरी फास्ट बहुत तेज दौड़ता है, तो ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इस प्रकार से समझेंगे। अगला, द प्लेन फ्लू, प्लेन यानी हवाई जहाज उड़ा, हवाई जहाज उड़ा जस्ट ओवर माई हेड, एकदम से, ओवर यानी ऊपर से, माई हेड मेरे सर के, हवाई जहाज एकदम से मेरे सर के ऊपर से उड़ा। तो देखिए यहाँ पे ये जस्ट क्या है, एडवर्ब, किसको क्वालिफाई करें, ओवर, ओवर हम आगे पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन होती है ओवर, ओवर यानी स्थिति बता रहा है, कहाँ से उड़ा, मेरे सर के ऊपर से उड़ा, तो अब ऊपर से कितना ऊपर से उड़ा, तो जस्ट एकदम से मेरे सर के ऊपर से उड़ा, तो ये जस्ट ओवर को क्वालिफाई करें, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को ये एडवर्ब क्वालिफाई करता है। इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सबको एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही केम जस्ट आफ्टर द ट्रेन हैड गोन, ही केम, वह आया जस्ट आफ्टर द ट्रेन हैड गोन। अब हम इतना एक बार इतना ही पढ़ेंगे, ही केम आफ्टर द ट्रेन हैड गोन, वह ट्रेन के जाने के बाद आया, आफ्टर का मतलब बाद। अब देखो आफ्टर क्या है, आफ्टर एक कंजक्शन है, आफ्टर के कंजक्शन है, और कंजक्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक भाग होता है। तो यहाँ पे ये किसको, अब देखो कितना, देखो यहाँ पे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, आफ्टर को यानी कंजक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, कंजक्शन की विशेषता बता रहा है, ऐसे याद करो, ये कंजक्शन की विशेषता बता रहा है, ही केम वह आया आफ्टर, कितना बाद में आया, जस्ट आफ्टर एकदम से बाद, ट्रेन के जाने के एकदम तुरंत बाद आया। तो यहाँ पे जस्ट का मतलब, यहाँ पे जस्ट क्या है, एडवर्ब, इस प्रकार से हम समझेंगे इसको। तो देखो हमने पांच भाग पढ़ लिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो इसका आगे का भाग हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।